हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों बाद हम लोग फिर से जा रहे हैं साइकिलिंग के लिए। और आज एक अच्छी बात यह है कि हमारे मनीष भाई और विनय भाई दोनों जा रहे हैं, तो मज़ा आएगा। आज आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, प्रवचन मिलेंगे कुछ, तो देखते हैं क्या क्या प्रवचन मिलते हैं। अभी मैं शूज़ पहन लूँ। चलिए, मनीष भाई को आज फ़ोन कर दिया, बस पहुंच रहा हूँ। लोग कॉल भी आ गई उनकी, अभी बात करता हूँ आप लोगों से फिर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना सफ़र। और ये हैं हमारे मनीष भाई। हाँ, अब बताएं। लेट आएंगे आप? हम लेट आए हैं, आज पहले दिन चल रहा है तो पूरा जलवा दिखा रहे हैं। राइट टाइम रहते हैं। तो मालूम मैंने तुम्हें कॉल क्यों करी? आप कल से आओगे तो आप पेनल्टी पड़ेगी। चलो पेनल्टी तो देंगे। तो मालूम अभी मैंने तुम्हें कॉल क्यों करी? मेरे दिमाग में ये था तुम दोबारा सो तो नहीं गए कहीं। अच्छा, हाँ मैंने कहा लाओ ना एक बार कॉल करके चेक कर लिया जाए। तुमसे कह दी थी हमने कि उठ रहे हैं, चलो तो उठ रहे हैं। विनय भाई ने गोली देना चाह रहे थे। अरे नहीं, बोले अरे यार आज और रहने दो, मैं ऐसा है मैं उठ जाओ चुपचाप। मैंने मनीष भाई भी चल रहे हैं। मनीष भाई भी चल रहे हैं? बोले अच्छा तो आओ आओ। अच्छा विनय भाई तक पहुँच जाओ। हवा वाले तक पहुँचते पहुँचते तो यार मेरे में खुद कम है आगे वाले में। कल मैं सोचा था डलवा लूँ, लेकिन साला कोई खुला ही नहीं थी दुकान कल कोई। यार पैर तो ऐसे भर जाएंगे यार। हल्के हल्के चलाओ, ना भरेंगे ना ना बैठ खड़े मार दो, आराम चलाओ। तो भैया हो गया है लोचा, विनय भाई निकल आए हैं घर से। हाँ, और हवा पड़ नहीं सकती है। हमें लौट के भी नहीं देना भैया, हम कहाँ बैठे बैठे। तो एक काम करना ना, विनय भाई की साइकिल पकड़ लेना पीछे, तो कहना अब तुम चलाओ। चाचा चाचा इधर ही। लेकिन उसने कैच छोड़ दिया, बहुत आसान सा विलियमसन का। गेन विलियमसन की थी। बहुत आसान कॉट था। आज भी तो कर लिया, क्या हो गया यार? कर लिया लेकिन बुमराह बहुत आसान कॉट था यार। बुमराह ने देख कर अपने पैरों के पीछे का चौका निकाला था। अच्छा हाँ, अरे पैरों के बहुत किलो गेंद थी यार वो तो। कल सिराज बहुत पिटे, जो उसके सामने का चौका निकाला था। सिराज बॉलर मुझे कहीं से कहीं तक बॉलर लगता ही नहीं है। सिराज बॉलर अब है, खेल रहा है, चल रहा है। श्रीलंका वाले मैच में शायद सिराज ने अच्छी बॉलिंग कर दी थी। सिराज की बॉलिंग में कोई कम नहीं लगता मुझे। अश्विन वंदन ले लें, अश्विन को लेना चाहिए ना फाइनल में ही लेंगे वो। तुम्हें ये वो आता ही फाइनल वाले मैच में एक बार याद नहीं है कौन सा हुआ था? 100% देखना यहाँ तक मुझे लगता है अश्विन को कहेंगे तीन खिलाएंगे अश्विन। वो एक कौन सा वो था उसमें अश्विन को ही लास्ट मैच में लिया था ना, सामी का ही छोड़ा था वो शायद। और बताए बुमराह शुरुआत करके आ रहे थे वैसे, आराम चला बन गया।
अरे ऐसे आराम मिल जाए चलाने में, चला तो आराम से ही रहे हैं, कुछ खुलता रहे हैं ऐसे, लेकिन ऐसे आराम मिल जाए चलाने में। आज मैं साइकिल इसी कर लूँगा, तो लोन एक महीने में करी होगी। लाला तुम्हारे पिछवाड़े की आज लाइट नहीं जल रही है, क्या हो गया? बंद कर रखी है, बिल ज़्यादा आ जाएगा। अच्छा तुम्हारी सीट में लाइट जलती है। नहीं उठाने के बावजूद भी तो आदमी ये कह रहा है आज और रहने दो, आज और रहने दो, कल चलेंगे साला, कल कल करके ही साला। मेरी पहिए में यार, वो तो अगले पहिए में कम है, पिछले में ठीक है। साला पंप अपनी गाड़ी में रख लिया करो ना यार, 1000 रुपए दो पंप नया ले ले रहा हूँ मैं, गाड़ी में नहीं। अरे तो साला हम तुम्हें क्यों देंगे 1000 रुपए, खुद ही ना लेके ले आएंगे 1000 रुपए दे के। हैं 1000 रुपए बाता लेना मिल गया वो वहाँ से ले लेंगे, मैनुअल वाला ले, मैनुअल कौन लेगा, मैं तुम तो बहुत बड़े भैया मंत्री हो ना। थैंक यू, आज आज लेंगे। ज्यादा चल रही है बहुत है यार, बिल्कुल पिचक के चल रहा है, चिपक। पहले इसको जरा चुनची दिखाओ कौन सी वाली है, सादा वाली नाव लगी ही रहा है ठीक है, पर मशक्कत करनी थोड़ी सा। वो ऐसे चलाओ मजा लो। अरे ना पतली वाली है इसकी, कैसी है पतली वाली? अरे हाँ तुम्हारी पतली वाली है यार। भैया लाला की तो बत्ती जलने लगी अब। अभी लाला कह रहे तो बेरे में बत्ती नहीं जलती है, जलने लगी। लाला होशियार हैं, यहाँ पे है अंधेरा तो लाला ने कहा अब जला लो, तुम भी जला लो, यहाँ है अंधेरा। आज फिर भी मुझे लग रहा है हम लोग यहाँ तो लेट हैं, वरना इतना उजाला नहीं होता है, अंधेरा होता है। हाँ तो मतलब दिखाई नहीं देता है। कितने बजे निकलते? 5:30 साढ़े पाँच बजे निकल जाते हैं। हाँ तो पाँच दस मिनट लेट हो। हाँ 5-10 मिनट लेट है, मतलब जब हम लोग ऐसे समझ लो क्रॉसिंग क्रॉस कर जाते हैं हाँ, तो लगभग दिन दिखाई देना शुरू होता है। नहीं मौसम अच्छा हो रहा है यार भाई, और अब थोड़ा साइकिलिंग करते करते थोड़ा सा बॉडी भी हीट हो गई है ना, तो अब ठंड का भी एहसास नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। थोड़े बहुत दिन चलाओ तब उम्र में फ़र्क लगेगा तुम्हें अपनी। साहब उम्र में फ़र्क तो हमें अभी से लगने लगा है। दोस्तों आप लोगों को हम लोग के चेहरे नहीं दिखेंगे क्योंकि अभी अंधेरा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं जल्दी से सूर्य भगवान जी से कहने की कि कृपया आप जल्दी आ जाएं, जिससे हमारी ब्लॉगिंग अच्छी हो सके। म्यूजिक लगा है भाई ब्रेक में? अरे जलवा है भैया। लाला की बैटरी चार्ज हो गई, क्या बात है, क्या देख लिया आज लाला भाई ने? लाला क्या देख लिया? मुझे लगा सुमन की कॉल आ गई है। अरे अरे तेरी लौंडा आज ही पतला हो जाए, 10 किलो वजन अभी तोल लेना, कम हो गया वो। टारगेट बनाया जाए एक बार, टारगेट बनाया जाए एक बार साइकिल से हाँ नैनीताल चलने का। बस जय हो भोले हे प्रभु प्रभु। अरे देख रहे हो आज कितना जोश है आदमी। हाँ तो टॉप गियर पड़ा हुआ भैया,
आज कम हो जाना तुम 10 किलो। अच्छा मैं तो तुम्हारा फोन आया तुरंत उठ गया भाई, उठा अपना कंबल वगैरह तय कर पाया था, तब तक प्रेशर बन गया, फ्रेश हुआ। अच्छा मैंने पेस्ट करा, मुंह धोया, और मैंने इसी चक्कर में ना तुम्हें 2-3 मिनट पहले कॉल करी थी, क्योंकि मेरे दिमाग में था तुम उठते ही तुम्हें फ्रेश होते हो, समझे? तो मेरे दिमाग में ये था कि फिर उधर लेट ना हो जाए। आज लाला लंबी पे हैं। अरे आज यार रोज ऐसी होते हैं। अरे हाँ, आज तुम्हें देख के जोश आ गया, मुझे लग रहा है दिखाना चाह रहे हैं कि देखो अच्छा मैं तुमसे पीछे नहीं हूँ। ये दिखाना चाह रहे हैं, देखो उम्र में हम ही तुमसे छोटे हैं, तो हमसे छोटे नहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं। कौन था? मतलब जानता आप बहुत अच्छे से। अब मैं नाम भूलना बोला, अरे यार मनीष भाई तुम्हारे यार इतनी सी उम्र में बाल सफेद हो गए, इतनी सी बड़ा अच्छा लगा यार। भाई साहब सफेद की कोई बात नहीं, जो आपने पहले बोला उसके लिए धन्यवाद। ये आदमी, इस आदमी को चैन नहीं है साला। ब्रूसली के चाचा चूसली लात मारी नहीं अभी साइकिल में, उड़े उड़े घूमोगे अभी। कम कर लिया होगा तुमने, क्या 10 किलो कम कर लिया होगा तुमने? तो मैं कर दे रहा हूँ तुम्हारी लाइट ऑन। साइकिल की बंद करूँ या तुम्हारी करूँ? आप तकलीफ ना लें साहब, बैठे साहब, आज आपने बहुत चलाई है, बहुत चलाई है। नाजिम ये डाल वो यार आती है यार, क्या कर रही है? कैदा ले वाले ओके, कैदा कैदा तुझे पता है ये क्या है? हाँ पता है, आईडीएक्स है, आईडीएक्स है, लगा लो लगा लो, मेरी भी लगा दी तो ना ना छोड़ो। ये आदमी को इतनी चुल है, इस आदमी में पता नहीं ये क्या चाहता है। अगला भी तुरंत उठ गया, हमने एक सेकंड नहीं लगाया अगले ने, मैं साला दूर गाड़ी कर दूंगा। कितना साले मतलब चैन ना है, भगवान ने तुम्हारे अंदर एक अलग कीड़ा दिया है, नहीं है अलग कीड़ा भेजा है तुम्हारे अंदर, जैसे तुम्हारी शकल आ रही है उसमें, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? जब दो लोगों की शकल आ रही है, दो लोग बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? जैसे दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है, मतलब तुम्हें ये दिक्कत है तुम फेमस नहीं हो पाओगे, तो साला तुम भी शकल दिखा लो इधर आके। बोले जो साला कितने मरवा रहे हैं ब्लॉग के चक्कर में, अच्छे को हमारी बहू नहीं देखती है ब्लॉग बनना चाहिए तो कि पैर छू रहे बाबू उठो बादाम खा लो, बाबू को दूध पी लो, बाबू। अरे यार अब तुम नहीं करते हो, मैं करता हूँ। सुनी नहीं ना वीडियो में, यही बाबू कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं यार। मैं वैसे नॉर्मल भी घर में ऐसे ही बोलता हूँ, तो मैं क्या मतलब वीडियो के लिए क्या कुछ अलग से बोल दूँ क्या? क्योंकि अच्छा नहीं देखा सुमन ने। क्या बाबू उठो बादाम खा लो, मतलब कहानी सुना नहीं सकता। बाबू उठो बादाम वाली कहानी है हमारे पास, बताएगी तुम्हें किस दिन। अरे ना अरे लाला शकल तो दिखा दो,
नाम चेंज हुआ है समझ लो पहली बार अब, लेकिन इस आदमी ने कैमरे में देख लिया कि मैं साइड से हैं, ये आदमी पीछे हो गया तुरंत। होशियार है। तो जैसे क्या मतलब तुम्हारा क्या हो जाए लाला, एक बार बता दो कैमरे में क्या हो जाए लाला। अरे यार, अरे यार, बाबू बादाम खा लो। बाबू, अरे कसम से यार, ये बढ़िया लाइन लगी, बाबू बादाम खा लो। ये तो भाई साहब एक भी दिन नहीं बोला, ये तो बक कर रहे हैं समझे, ये एक भी दिन नहीं बोला है। हाँ तुम देख लो, चलो बाबू उठो। हाँ ये बोला है बाबू उठो, तो बादाम खा लो, आगे की बात बादाम खाने की। बादाम लो, बादाम उसमें थे ही नहीं। बाबू तो दूध ले आए, तो इधर हाँ। लेके आई पूछ देख लेना। हाँ तो ये है, तो हमने बादाम की बात कह दी, और क्या उसमें बताओ। जब साइकिल चला के जाते हैं तो नीचे से ले आते हैं दूध।